देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाने से पहले हम ये सर्च करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। अगर लार्ज कैप लेना है तो वहाँ पर हम बेस्ट लार्ज कैप तलाश करते हैं, स्मॉल कैप लेना है तो बेस्ट स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप लेना है तो बेस्ट फ्लैक्सी कैप। मतलब जिस जिस कैटेगरी में हमें फ़ंड लेने रहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो वहाँ पर हम बेस्ट फंड करके तलाश करते हैं। फिर जो समझ में आता है या फिर उस टाइम पे जो भी बेस्ट होते हैं वो हमारे सामने आ जाता है फाइनली, और हम अपने सोच समझदारी के हिसाब से फ़ंड ऐड कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि उसके बावजूद भी हम बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान करवा जाते हैं। इन सारी बातों का एहसास हमें उस वक्त नहीं होता है जिस वक्त ये सारा कुछ हम कर रहे होते हैं। इन बातों का एहसास हमें 5 साल 10 साल के बाद होता है, यानी जिस टाइम पे अच्छा खासा अमाउंट बनने का टाइम आ जाता है कि भाई हम इतने दिनों से इन्वेस्टेड है, अब तो हमारा अच्छा खासा पेमेंट बन जाना चाहिए, अच्छा खासा रिटर्न्स बन जाना चाहिए। उस टाइम पे हमें एहसास होता है कि भाई रिटर्न्स नहीं बना, क्यों नहीं बना, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तब हमें उस टाइम पे समझ में आता है कि भाई इसके पीछे का ये रीजन है। तो इन चीजों को हम डिटेल्स में आज बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा और भी क्या क्या नुकसान होते हैं वो सारा कुछ आज आपकी आंखें खुल जाने वाली हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टर्स अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे कैसे सर्च करते हैं और उनके सर्च रिजल्ट कैसे कैसे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आते हैं, उस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि भाई इसके नुकसान क्या है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। देखिए, अभी 2024 चल रहा है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, लगभग 3 तारीख भी हो चुकी है, तो 7वां महीना है ये, मतलब 6 महीने गुजर चुके हैं 2024 के। तो अभी 2024 के 6 महीने गुजर चुके हैं। अगर 6 महीने पहले की बात करें, मतलब 2024 के अगर जनवरी फरवरी में अगर आपने सर्च किया होगा बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो जो जो फंड आया होगा, बेस्ट लार्ज कैप, बेस्ट स्मॉल कैप, बेस्ट फ्लैक्सी कैप, आपने जो कुछ भी सर्च किया होगा उस टाइम पे जो रिजल्ट आया होगा, अभी 6 महीने बाद अगर सर्च करके देखें सेम साल में, तो वो रिजल्ट आपके सामने नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि पहले जो स्कीम आया था आज से 6 महीने पहले, आज की डेट में वो स्कीमें बेस्ट करके आपके सामने नहीं आने वाली है। या नहीं तो आपने पहले सर्च नहीं किया, मैं मानता हूँ, या फिर आपको याद नहीं है, तो आज आप सर्च कर लीजिए बेस्ट म्यूचुअल फंड या बेस्ट स्मॉल कैप या बेस्ट लार्ज कैप मिड कैप। तो जो रिजल्ट अभी आपके सामने आएगा, जिन जिन स्कीम का नाम अभी आएगा आज से 6 महीने के बाद, उन स्कीम का नाम नहीं आएगा। इसका क्या रीज़न है? इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न जो कि बहुत मेन है, उसी के ऊपर डिपेंडेड दूसरा भी रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि भाई जो बेस्ट है वो हमेशा बेस्ट नहीं रहता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। जो बेस्ट था वो बेस्ट नहीं है या फिर नहीं रहेगा, ये ज़रूरी नहीं कि जो एक मरतबा बेस्ट था वही हमेशा बेस्ट रहेगा। और जब वो बेस्ट नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि बेस्ट जब चेंज होते रहेंगे तो वीडियो भी अलग अलग और चेंज करके बनती रहेगी, नई नई वीडियो भी आती रहेगी। तो यहाँ पर 2 रीज़न हो गए। पहला रीज़न तो ये कि बेस्ट जो था पहले वो तो बेस्ट रहा ही नहीं, और दूसरी बात है कि वीडियो भी चेंज हो जाती है, नई नई वीडियो भी आती रहती है बेस्ट स्मॉल कैप करके। तो फाइनली ये तो समझ में आ गया कि पहले जो बेस्ट था अब वो बेस्ट नहीं रहा या फिर आगे नहीं रहेगा। तो इसका क्या ये मतलब है कि जिन जिन बेस्ट स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप को हमने अपनी पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट किया था, अब वो बेस्ट नहीं रहा, तो क्या अब उसे निकाल देना चाहिए और फिलहाल जो बेस्ट है उस फंड को ऐड कर लेना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो में जो पहले से फंड है उन फंड को आप सिर्फ इस रीजन से निकाल दीजिए कि अब वो बेस्ट नहीं रहा, कोई दूसरा बेस्ट हो गया, और दूसरे फंड को आप इस रीजन से सिर्फ ऐड कर लीजिए कि अब वो बेस्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि यहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अक्सर लोग, ज्यादातर लोग करते हैं। पोर्टफोलियो बना लेते हैं, हम एक मरतबा बेस्ट स्मॉल कैप या जो भी तलाशना था तलाश करें, एक मरतबा आपने पोर्टफोलियो बना लिया, उसके बाद भी बेस्ट के चक्कर में लोग चेंज करते रहते हैं, और बेस्ट की ये आदत हमें बहुत बड़ा नुकसान करवा जाती है। देखिए, इसके 2 सबसे बड़े नुकसान हैं। सबसे बड़े नुकसान जो 2 है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनमें एग्जिट लोड 1 साल के लिए रहता है, 365 दिन के लिए रहते हैं, 360 दिन के लिए रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 15 दिन के लिए भी रहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर अगर आप एग्जिट लोड के पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो 2 नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो आपको एग्जिट लोड लग जाएगा। दूसरा नुकसान कि शॉर्ट टर्म में जो आपको कैपिटल गेन्स होंगे, जो आपके गेन्स हुए, जो आपके फायदे हुए, रिटर्न्स बने, वो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं कभी कभार मान कर चलता हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया,
तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म टैक्स भी लग जाएंगे, जो गेन टैक्स होंगे वो गेन पर लगेंगे, जो आपके प्रॉफिट रहेंगे उस पर लगेंगे, जो कि 15% होते हैं। तो 15% वो, और दूसरी बात मान लेता हूँ, सपोज कर लीजिए कि भाई एक साल का एग्जिट लोड का टाइम पीरियड है, तो आप एक साल के अंदर अंदर आप निकाल रहे हैं, तो एग्जिट लोड प्लस जो गेन टैक्स है 15%, तो टोटल मिलाकर दोनों मिलाकर 16% हो गए। अब 16% आपको देने पड़ेंगे, समझ रहे कि नहीं, और ये आपका नुकसान हो रहा है। दूसरा जो भारी नुकसान होने वाला है, आप कहेंगे कि भाई मैं एक फंड से पैसे निकालता हूँ, दूसरे फंड में ऐड कर देता हूँ, दूसरे से निकालता हूँ तीसरे में ऐड कर देता हूँ, मैं उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखता या घर में उसको फंसा कर नहीं रखता हूँ, मैं फौरन एक स्कीम से निकालता हूँ दूसरी स्कीम में डाल देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि आप एक फंड के अंदर कंटिन्यू बने हैं या नहीं बने हैं। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बराबर चेंजेस कर रहे हैं, उन पैसों को एक से निकालने के बाद जस्ट आप दूसरे में डाल दे रहे हैं, फिर भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इस बात को आप लिख लीजिए। इसको और भी ज़रा करीब से समझते हैं। मानकर चलिए कि दो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से पहला ऐसा है जो कि 10,000 रुपये की मंथली SIP किया 10 सालों तक, जिस पे उन्हें 15% का रिटर्न्स मिला, तो उसके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो गए, 12 लाख रुपये हो गए, और उस पर जो रिटर्न्स मिले वो लगभग 15 लाख के अराउंड रिटर्न्स वगैरह मिल जाते हैं, और 27 लाख टोटल रुपये हो जाता है। और ये कौन सा इन्वेस्टर्स हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं और अपने फंड के साथ मुनासिब फंड के साथ बने हुए हैं, समझ रहे कि नहीं। और दूसरा वो इन्वेस्टर्स हैं जो एक फंड से दूसरे में, कभी दूसरे से तीसरे में कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पैसे को रेगुलर एक से निकाल रहे हैं जस्ट दूसरे में डाल रहे हैं, अपने पैसे को बीच में कहीं 1 महीने 1.5 महीने के लिए 1 हफ्ते के लिए भी फंसा नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे, इस बात को आप लिख लें, क्योंकि उसको कंपाउंड, उनके जो पैसे हैं ना वो कंपाउंड नहीं हो पा रहे हैं, उस पर जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यानी उस पर जो रिटर्न्स पहले इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स 15 लाख रुपये के अराउंड बने थे और टोटल जो अमाउंट हुए थे 27 लाख के करीब, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, 15 लाख उनकी रिटर्न्स नहीं बन पाएंगे, और रिटर्न्स नहीं बनेंगे 15 लाख रुपये, तो उनके जो टोटल 27 लाख मैच्योरिटी पर मिलने वाले, तो वो भी नहीं बनेंगे 27 लाख, कम ही रह जाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट भी कम रह जाए, 12 लाख रुपए ना हो। तो ये सारे नुकसान कब होते हैं, जब आप बराबर बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़े रहते हैं, तब जाकर ये नुकसान होता है। अब देखिए, कुछ लोग यहां पर ये भी कह सकते हैं कि भाई मानकर चलिए कि 10 सालों के लिए हमने पोर्टफोलियो बनाया, तो क्या 10 साल के लिए हम बिल्कुल भूल जाए अपनी पोर्टफोलियो को, मतलब जो फंड है उसी फंड के साथ हम बने रहे, बुरा परफॉर्म करे फिर भी, अच्छा करे फिर भी। तो देखिए, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए 6 महीने पर, साल भर पे, यानी तो एटलीस्ट आप 4 महीने पर रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करिए और आप देखिए कि भाई आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आखिर उसके खराब परफॉर्मेंस के पीछे का रीज़न क्या है, ये जानने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि ये सोल्व नहीं होने वाला है, तो आप अपने फंड को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक टाइम पीरियड लीजिए, समझ रहे हैं ना, एक टाइम होना चाहिए, एक ड्यूरेशन होना चाहिए, जिस ड्यूरेशन में आप अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए और रिव्यू करने के बाद आप निकालिए। आप बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में मत निकालिए किसी भी फंड को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नहीं कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स को देखा हूँ कि भाई सिर्फ वो बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में अपनी पोर्टफोलियो में बराबर महीने दिन 1.5 महीने 2 महीने पे बराबर कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह करते रहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही नुकसान है, बहुत ही सिर्फ अपना नुकसान करवा रहे हैं और उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, वो समझिए जो उनको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे अगर आप भी ऐसा करते हैं या आप भी ऐसा स्टेप लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आज से ही इन चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी फिनेंशियल एडवाइज़र का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर आपके कुछ पैसे तो ज़रूर खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो रंगत लेकर आएगी ना एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, यकीनन उसको देखने के बाद आपका पूरा पैसा भी वसूल हो जाएगा और आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। तो आप इस हिसाब किताब से चलें। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और ख़ास तौर से एक बात अगेन मैं कहना चाहूँगा, इसको मैं बहुत मरतबा वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा कि बार बार जो चेंजेस करते हैं ना, ये चीज़ नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं ना, एक मरतबा जो लीजिए उसको लेकर आप बैठे रहिए, समझ रहे हैं, और चेंजेस करना है तो उसी हिसाब किताब से रिव्यू के बाद आप चेंज कर सकते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आपका कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर फेसबुक वगैरह हर जगह पे आप अपना प्यार दे सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।